हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर टू मल्टीप्लिकेशन। चैप्टर टू ऑपरेशन विथ नंबर है। इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था, तो आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन में तीन टर्म्स होती है, थ्री टर्म्स होती है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंड एंड प्रोडक्ट। व्हाट इज मल्टीप्लायर? द नंबर बाय विच एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड is known as multiplier. Multiplicand, what is multiplicand? The number which is to be multiplied is known as the multiplicand. Or product kya hota hai? The result of the multiplication is known as the product. It means, jaise maine koi example liya hai, 23 multiplied by 1000 equals to 23,000. तो ये 23 है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, वो है मल्टीप्लायर, और जिसका हम डिवाइड करेंगे वो है मल्टीप्लिकेंड, और जो आंसर आता है वो होता है प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फाइव टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। The product of two numbers does not change if we change the order of number. It means अगर हम numbers का orders change करें तो उसके product यानी कि उसके result में कोई changes नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा 18 into 4 किया तो भी 72 आया, और इसके order में change करने पर 4 into 18 करने पर भी 72 आया। It means A into B यानी कि 18 into 4 करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, 4 into 18 करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। It means A into B equals to B into A. ओके, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वैन वी मल्टीप्लाइड मोर देन टू नंबर्स द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इफ द ग्रुपिंग ऑफ नंबर इज चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई यहाँ एग्जाम्पल लिया है 11 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, इसमें ग्रुप किया, ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है, 11 इंटू 4 किया सबसे पहले तो 44 आया उसको, उसमें उसके बाद 3 को ऐड किया तो 132 आया। अगर मैं 4 इंटू 3 पहले कर दूँ और 11 को बाद में मल्टीप्लाई करूँ तो 4 इंटू 3 क्या होता है 12, और 11 को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आता है आंसर 132। इट मीन्स अगर पहले हम दोनों डिजिट को फर्स्ट टू नंबर को मल्टीप्लाई करने पर थर्ड नंबर को बाद में मल्टीप्लाई करें तो भी वही आंसर आएगा, और लास्ट टू नंबर को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले नंबर को उसमें मल्टीप्लाई करें तो भी वही आंसर आएगा। इट मीन्स ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि इन दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वी स्प्लिट द बिगर नंबर इंटू स्मॉलर नंबर, मेक द मल्टीप्लिकेशन ईजी। मल्टीप्लिकेशन को ईजी करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, बिगर नंबर को हम स्मॉलर नंबर में हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिया एग्जाम्पल 7 इंटू 4, ठीक है, 7 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, 4 प्लस 3, 7 को हम 4 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, तो 4 प्लस 3 इंटू 4, तो 4 को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 4 देन प्लस का साइन, देन 4 को हमने फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16 प्लस 12 28। इसका यूज़ हम बड़ी डिजिट के लिए करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज़। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ज़ीरो प्रॉपर्टी। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय ज़ीरो द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, यानी कि किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है, हमेशा ज़ीरो आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड वन इज़ द नंबर इट्सेल्फ। इट मीन्स किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर हमें वापस आंसर में मिलता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टीज़। जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताई है आपको समझ में आई होगी, और थैंक यू।